हौसला अफजाई वास्ते उस्मान साहब माशाल्लाह बाद बच्चा खुद ही चप्पल ले छोड़ी मेहरबानी करे तेरे दूर आयो सलाम गढ़ की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहु अज़ीम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे जे बच्चे की दावत देसा क्योंकि दोए आपस में भरा लगने या जो कुछ भी लगने दोनों इसरार से कि ऐसा स्टेज पर बुलाया है। तो वैसे भी हजूर सलातो सलाम की बच्चिया बेहद मोहब्बत सी। अगर वो तस्करे शुरू करी करना ये रात मुक्की जासी या जिंदगी मुक्की जासी, लेकिन उस कमली वाले ने तस्करे और एक ही कदान है सिफत जड़ी है या उसने अगर शरा की जाए तो खत्म नहीं होनी। मैं उसने नाल ही जरा दूसरा छोटा बच्चा है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दावत देसा जी पेश कर असल जड़े कारी हफीज साहब सन जड़े कि हर साढ़े स्टेज शहीद है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत कलामे पाक पेश करने से राजनी को सेहत जी ठीक नहीं सी तो इस वास्ते वो तशरीफ नहीं लाए। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला एक कमियां खुद ही हुज़ूर अलैहि सलातो सलाम ने इस बदन पूरी हो सन। सलमान का या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वा सलमान का या हबीब अल्लाह दिल में इश्क निकलता रे या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आया तू से मिलाता रहा आया ते आया तू से मिलाता रहा आया ते फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई दिल में इश्क नबी की वो ऐसी लगन दिल में इश्क नबी की वो ऐसी लगन रुतरपता रे मचलता रे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है ना हूँ राजी लाके तुम्हें मिलने को नहीं दोस्तों बच्चे सन नाना दिल भी खुश हो गया और यकीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह भी असों पर खुश हुई हो सी क्योंकि असं यकीन रखने के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजर और नाजर है और जिथे भी हो जाना जान बल्कि जाना का जानो हर जगह और हर जगह ने बारे चुना नकील मौना ये बस्ती बाबा बुद्धो शाह अब्दाल और साईं गुलाम मोहम्मद साहब ने बस्ती है कि जेडे मियाँ मोहम्मद साहब ने भी मुर्शद सन फिर इस बस्ती में अज इस इलाके असं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल सजाने पे बाबा बुद्धो शाह अब्दाल ने बस्ती यकीन सारे वास्ते बायसे रहमत भी है और वैसे बरकत भी है। दोस्तों का गुजारिश है कि तो सारे इस चीज़ नाल मुतफिक हो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसाना ना जितना भी शुक्रिया अदा करा वो कम है। क्या ख्याल है सुना बिल्कुल सो इसने नाल मुतफिक हो सो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसाना ना शुक्रिया अदा नहीं हो सकना। लेकिन वो जो दोस्त पिछा है उन्हें गुजारिश है कि इतना बहना कोई मुश्किल नहीं आसाना ना
बदला देना या उसका शुक्रिया अदा करना मुश्किल है, लेकिन दोस्त अबाब हो जो खलते हुए उन्होंने इतना बहना दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम नज़्म और तंज़ीम की बड़ा पसंद करने सन, डिसिप्लिन की बड़ा पसंद करने सन, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में साबित है कि नमाज की एक नज़्म ने तरीके एक बेहतरीन तरीके अदा करने का हुक्म दिता। और असा जो कोई उधर खली रहा कोई उधर खली रहा, पठवारी जरा अदब है इसकी अदब की बड़े अच्छे अगर बेहतरीन अदागी अदा कर सा तो इन शाला तला से फीजो बरकत भी मिल सन। अज तशरीफ लिया अगर साथ जिंदे हैं तो मैं गुजारिश कर स्टेज ने अपर तशरीफ लाके फिर बकायदा महफल ना आगाज असा करा क्योंकि मैं इतना बहुत कम नजर आएगा लाइट डायरेक्ट मारिया अखाच लगने मेहमान खुसूसी अली जमान राजा साहब है और रजब अवान साहब ने इन्होंने बहुत सारे दोस्त अबाब भी तशरीफ लिया है उन्होंने मशहूर हाँ बकायदा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया जासी और जड़े भी दोस्त अबाब इलाके ने और अवाम जितने भी तशरीफ लाए उन्होंने वास्ते दुआ आ कि हजूर अल्लाह सलातो सलाम ने सदके और वसीले नाल अल्लाह ताला से दो जाने में कामयाबियाँ अता फरमाया। मैं अपने इलाके की अजीम शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद आरफ साहब और गुजारिश कर सा कि वो नारे ने गूंज स्टेज पर तशरीफ लैन ए नारे ने गूंज भी रहसी जिक्र मुस्तफा भी रहसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी असा की मिली रहसी और इंशाल्लाह दो जहान कामयाबियां भी नसीब हो सन। सारे दोस्त बाप दिलो जान नाल नारा लासो आमादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा इधर आवाज बिल्कुल को नहीं सुनी आवादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा स्नाहान है मुस्तफा। दोस्तों स्नाहान कौन है तुसा भी शरहान हजरात भी स्नाहान जेडे हजूर ने सनाह करने वाले उन्होंने भी नाल ही नाल मदा सराई होनी थी आवादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा स्नाहान है मुस्तफा। और मैं गुजारिश कर सा कि फूल पत्तियां अनि बरसात स्टेज पर शख्सियत तशरीफ लासी जड़ी के हमदे बारी ताला नहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना गौसे आजम की तारीफ करने वास्ते वो बड़े शौक ने तारीफ करने और आज भी हाफिज़ नासिर साहब दसी रहे सन के मास्टर शकूर साहब इस टाइम जो कुछ भी पढ़ी रहे हैं वो दिलू पढ़ी रहे हैं। पहले भी दिलू पढ़ने सन लेकिन हर रोज हर दिन इंसान वास्ते एक नया तजर्बा होना एक नई कोशिश होनी इंसान की एक नया तजर्बा मिलना हत्ता के अंबिया कराम तक भी है कि हर रोज अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंदी अता फरमाना हर इंसान की भी शौरी अकरी इलमी अदबी लिहाज न हर रोज उसे एक स्टेज मिलना रहना और अल्लाह ताला सारे ने दर्जात बुलंदी अता फरमाया नारिया ने गूंज तशरीफ लाने मास्टर शकूर साहब अफतीना आमादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा सुना खान मुस्तफा आमादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा सुना खान मुस्तफा। मास्टर शकूर साहब आप दीना फूल पत्तियां चावर कर मैं वो दोस्त जिन्होंने खसूसी तावन है उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना आज ने तकरीबन ने मेहमान खसूसी हैं जनाब अली जमान राजा साहब जड़े के थोड़ी देर बाद तशरीफ लाया सन उसने तो बाद आज ने महफल ने सदर हैं जनाब राजा लियाकत साहब अफबन राजगान उसने तो बाद खसूसी आमद है जनाब ठेकेदार रजब अवान साहब डडियाल नंबरदार अल्लाह दित्ता साहब बठरुई चौधरी तौफीक साहब बठरुई छपरा चौधरी नदीम साहब बठरुई पहलवान मोहम्मद अली दिंगल सिकंदर साहब कंडोर चौधरी सगीर साहब कंडोर चौधरी अशरफ खाती आल मुकीम यूके चौधरी अनीफ साहब आप चित्रो चौधरी तारक प्रेमी साहब आप चित्रो चौधरी सिकंदर आप कंडोर साई लियाकत साहब आप बलाड़ा कंडोर इन सारे दोस्तों ने मशहूर हाँ जिन्हें तावन किया और जिन्हें दोस्तों का ना रह गया हजूर अल्लाह सलातो सलाम ने उनकी रहमत दो जहाना में नसीब हुआ आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिर फिर पर नारा हो जाए आमादे मुस्तफा चेहरा है वदोहा
स्नाहाने मुस्तफा। इसने तो बाद पहला सेशन है, दूसरे सेशन जनाब कमर जमान कंगाल साहब ऑफ कंडोर और आफज नासर साहब ऑफ कलर सईदा उन्होंने प्रोग्राम हो सी और वो स्नाहाने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्नाह तुसाने सामने बयान कर सन। मैं मास्टर नासर साहब ऑफ दीना उन्होंने भी मशकूर हाँ कि आज नहीं वो इस बजम में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला उनकी कामयाबियाँ ता फरमाया। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تر تعریفاں اس مالک الملک کی جس نے قبضہ قدرت جار زیرو نے جان بے حد درود و سلام اس ذات والا تے جس کی خاطر کائنات تخلیق کی تھی تمام حاضرین و ناظرین کی السلام علیکم بعد السلام آج یہ محفل सिलसिला ईद मिलाद उन नबी मुनक्कद हुई जिस तुसी दोस्त बखूबी वाकिफ हो जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आती है। अगर ये ईमान है असन तो ये असन यकीन है कि सरकार इस महफिल मौजूद है तो फिर बाकी सारे सिलसिले खत्म नहीं हो जाए। क्यों 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 कि जिस वक्त सरकार की आमद होनी है तो उठे शैतान दम नहीं मार इंशाअल्लाह। असा तो खिदमत हाजिर हाँ तहे दिल तो मशहूर हाँ जनाब राजा लियाकत साहब जनाब चौधरी कमर साहब ठेकेदार रजब साहब जनाब चौधरी अनीफ साहब और जितने दोस्त अगाव जनाब अली जमान राजा साहब चौधरी मनीर साहब और दीगर जितने अहबाब उन्होंने असा तहे दिल तो मशहूर हाँ जिन्हें असा खिदमत ना मौका दिता सरकार ने मदा खानी ना मौका दिता मियाँ साहब सरकार ने बकौल ये मेरी बात नहीं है मैं कौन हाँ मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया सन मियां साहब सरकार मकाम एक मकाम ते फरमाने के दानशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा जे कोई चंगा होवे हर नु भला तक शर्त है कि जे कोई आपको चंगा हो फिर के होना हर नु भला तुसा चंगे हो गाने वाला चंगा नहीं होना समीन जेड़े उस तक गौरव वस कर रहे उस तबसरे कर रहे उसकी सोच रहे वो लोग चंगे होने असानी ड्यूटी है असा तुसानी खिदमत तक विच पेश कर छोड़ सकते अगू उस तक गौरव वस करना तुसान मोहतरम जनाब मोहम्मद आरफ साहब असने बड़े बड़े प्यारे दोस्त भी भाई इना काफी टाइम तो बाद आज इत्तफाक होया भाई रणल महफिल बढ़ने ना बहुत सूझबूझ आले समझदार बुरसुर आले ये तो सभी महसूस कर सन मैं असल काफी दोस्तों को पता कि बीमारी ने आलम तो बाद मेरी दुनिया जड़ी है वो कुछ और है ना ही वैसे भी अदब किसी ना कोई मुकाबला नहीं हर इलम वाले पर ही इलम वाला जो है वो आज़ा मौजूद है सुर गुर जहाँ तक बात है अल्लाह तबारक ताला पलियो पली इंसान पैदा कीते हैं बड़ी बड़ी सूझबूझ वाले लोग असा तो बिल्कुल जीरो था मैं आज भी जिक्र कर रहा सा अजीजा नाल के सन 1971 में खड़ी शरीफ में महफिल पढ़ी कुछ तू लै के हूं तक लगातार महफिल पढ़ना लेकिन आज भी मैं अपने आपकी तिफले मकतब समझ रहा हूं ये बहरे बेकनार है इस तरह कोई कनारा नहीं है जिसकी जो कुछ मिलिया उस आख्या ये ही हो गई सब कुछ ही हो कुछ हकीकत ये नहीं हकीकत ये है कि इस तरह कोई कनारा ही नहीं
भर का ज्यादा टाइम मजीद ना लाना। हारमोनियम और सतार ने इब्तदाई बोल चुके फरमाइशी है किबला पीर मेर अली शाह साहब सरकार ने बड़ी प्यारी लिखी हुई नात हर खास आम ने जबान तरी है सुनी हुई है कि आज सिख मित्रों की बधेरी है क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया क्यों जड़िया इस नातरा जरा आखिरी बंद कि सुभान अल्लाह मा अजमला का मा आसाना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख हकिया किथे जाने और मुनिया और सरदार ने इब्तदाई बोलो उसके बाद मैं अप्रिशिएट करूंगा इंशाल्लाह।
اللهم صل على سيدنا اصحاب سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا صلى الله عليه मेरे नियाती काबिल इहतराम बुजुर्गों और दोस्तों अजीजों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की अजीम महफल नबी पाक की याद अंदर आसा के सारे भरा बैठे हुए हैं। मैं अगर मास्टर साहब को कह चुके थे मैं काफ़ी अरसे तो बाद इस महफल आया हाँ, तो मैं शुरू से शौकिया शेर पढ़ना रहा, कोई साड़ा पेशा कौन सा ते अल्लाह पाक ने देना जो भी दिता उस मौला की जात दिता, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर सा अपनी तरफों जो कुछ हो सकिया मैं तो सामने पेश कर सा। साड़ा कोई मुकाबला कोई महफिल मिलाद है अदबनी महफिल है, तो जो कि जो जानने तो खिदमत भी पेश कर सा अगर मेरे मौला ने जात साथ दिता। शुक्रिया।
गाना गाता हूँ। कुल दिख रहा तू कुल बंदगियाँ तू अफजल है और तेरी जात सब तू आला वाला। मेरा प्रेशर मिलिया सब फरमाने तेरा जिक्र अफजल सब बंदगियाँ Oh,
ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਅਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮਨਸਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਅਗਰ ਮਨਸਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅਗੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ
जाए उठे उठे गुम होंदा साबत है दसो अगे जोर किसका क्योंकि इतना जोर तो है कोनी लेकिन एक गल है कि तू इत में दे बस लिया Thank you.
शरीक है उसका कोई शरीक आदम खलीफा बनाया नायब खाला का आदम अला सूरत ही मैंने आदम को अपनी सूरत में पैदा किया। क्या अल्लाह की कोई सूरत है जो उसने अपनी सूरत को पैदा किया और जिसे कुछ सी है मुफस्सरीन के सूरत आदम नहीं जड़ी है दरअसल सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अपने महबूब की सूरत बदे नजर आता है अल्लाह अगर नजर आना तो मोहम्मद की सूरत की नजर आना तो आदम अलैहि सलाम की सूरत बना कुछ है वो कैसी नूरे मुस्तफा सराय सरकार लिखने जिस तरह के मुद्रम हरफ साहब तुझे खिदमत बड़ा प्यारा शेर पेश किया अमर साहब ना सराय साहब लिखने के पतू ना याद हूरो पतू ना याद हूरो Oh,
था भी कुछ, जो कुछ था बस नूरे खुदा पहले पहले ऐसी तो अल्लाह जात ऐसी नूरे मोहम्मद बनिया। नूरे मोहम्मद ने सदके हर शह तकलीफ हुई कह के अल्लाह मीम खातर आदम खलीफा बना दिता। तशरीफ लाए हैं उन्होंने अस मशहूर हाँ और उन्होंने गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। उन्होंने गले में माला सजा सन जनाब सही लियाकत साहब अब कंडोर राजा लियाकत साहब अफगान राजगान अली जमान राजा साहब एडवोकेट जड़े के साथ इलाके नहीं सियाजी समाजी और सियासी शख्सियत हैं। अली जमान राजा साहब अस उन्हों की खुश आमदीद आखने अपनी तरफों और जेड़े दोस्त अहबाब इतना तशरीफ फरमान उन सारे दोस्तों की तरफों उन्होंने खुश आमदी बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें सारी हौसला अफजाई की। खुदा हाफिज। चलने मैं पहले अर्ज की मेरी चूंकि जिस वक्त तबीयत खराब हुई उसके बाद कुछ मेरे मामला थोड़े जो होर हो गए तो मोहतरम मारफ साहब ने हुकुम मुताबक फिर साथ उठी क्योंकि असल ने मोहतरम पाई जिस तरह ये खुश मैं खुश हूँ इंशाल्लाह कोई ऐसी बात तो सरकार सफी सरकार की बड़ी प्यारी गल
ना सा मास्टर और ही बीमार है तो मैं भी पुरानी उम्र जा अरसे दराज हुई मैं अपना छोड़िया 15-16 साल हुई मजबूरी है कोई गल नहीं जड़े फा लगने लगने आए माड़े पचप साल
पाकिस्तानी तक भी। आदम की आसल खलक पिता सब तो असीम आदम की बनाया, लेकिन जिस वक्त अपनी मंजिल तू गिरिया आसफाला साफ एक दर वो मकान है तो जे पस्ती नी तरफ गया तो आसफाला साफ पर इंताई चुके असा तू बाद जनाब चौधरी कंवर साहब और हाफिज नासर साहब जी तुम मैं फिर सुनानी है तो कुछ दोस्त दोस्त मेरे ख्याल है इस हवाले थोड़े पिछा भी चले गए उन्हें अगर भी रिक्वेस्ट है कि अगर आओ सुनो उन्हें की सुने असा की सुनो असा ने कुछ राज दनो ना बरकत जिनकी महफिल हो महफिल में जरूर चार पांच रुपये इस हवाले ने सरासा फिर चुके वक्त की मदे नजर रखना दो चार चार सफर लोग ने पैया रखने की सरासा कोशिश कर सकते हैं सरासा फिर थोड़े जे अगले मैदान में जुड़ सकते सरकार आदम अलैहिस्सलाम तो सलाम तो लायक है हजरत ईसा रूह अल्लाह तक जितने अंबिया आए हर नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत देना आया दसने आया है कि फला जमाने चाहो जमा पैगंबर तशरीफ लेना सब सब उम्मतों तुझ सरदार उम्मत सी है सबकी अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे हबीब ने सदका बहुत बड़ा शक अनाज फरमाया असा उस उम्मत चू पैदा हो उस उम्मत जा कि जिन्हा जिस उम्मत में पैदा होने वास्ते अंबिया ने अर्दुआ की थी लेकिन असा आपे आका मौला तै कितना सारा एहसान कर रहे हैं कि सरकार ना जिक्र सुनना सरदार उस तो हम साहब ने
शेर हजूर ने अपने हवाले नाम फरमाइश है जनाब 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 ठेकेदार रंजन साहब चौधरी अयूब साहब और जनरल साहब और जनाब राजा लक साहब दीगर सैनिक साहब सरकार फरमाए आजकल की
तको अज फर्श की रौनक कैसी है, रब अपना महबूब फर्शे जमीन पे भेजा, तको फर्श की रौनक कैसी है। पूरा फलक तू चाती पाया खन, अल्लाह फर्श होए सवार या आमद हुई उस वक्त के आलम होया बीबी हाजरा के सायरा कुंद खुलतू आईया शौक से थी जानदार से सच्चे खपे हो बैठ के आमना दे गावन मूल चुतरादार से ओ कुर्बान जाओ। लेकिन क्यों है कि अमय आमना फरमाया कि जिस वक्त मेरे बतन की एक नूर खारज जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाया मुबारक हजरत शफा आप इन्नी जबान रवायत है कि उस वक्त हाजूर ने जिस वक्त आमद हो बीबी आमना ने जिसम च नूर खारज है और उस नूर नाल शाम ने महल्लात जड़े नजर आए। मेरे दोस्तों सोचने की एक बात है कि आपने नूर अकदस नाल अगर हजरत शफा और हजरत आमना की अगर शाम ने मीनार जड़े नो नजर आ जाने तो जड़ा आमने वाला नूर है उस नूर ना के आलम हो सी उस ना के मकाम हो सी उसने कितना तक रसाई हो तो इच्छे मेरे पीरों मोशन के प्रापी महबूब हुसैन महबूब नशाई सरकार ने लिखिया दोस्त 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 बिहारी तो तशरीफ लाए उन्होंने खास चार के मुताबिक जनाब चौधरी मुश्ताक साहब ऑफ बिहारी हाल मकीम यूके नादरा चौधरी अल्ताफ साहब बर्मिंघम चौधरी सुफियान बर्मिंघम असीफ हुसैन शाह बिहारी नवीद हुसैन बिहारी शफीक हुसैन बिहारी मोहम्मद वकास बिहारी और चौधरी साजिद साहब यूके राजा साजिद साहब यूके चौधरी रहमान यूके चौधरी रहमान यूके चौधरी मदर साहब रादरम ग्रुप शेर सरकार चुना फिर मैं भूख से मैं भूख सरकार ना ओ मत अजूर दियो ही जिस दम ओ ओ Thank you.